अंकित बड़ी चली थी प्रोजेक्ट में हेल्प करने, और तू सुबह से कर क्या रही है? या तो कॉफी बना रही है, या तो चाय बना रही है, और नहीं तो चीनी खत्म हो गई है। ये सब लोग काम करवा रहे तुझसे, इससे अच्छा होता मैं मान सर के। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, कितने बार समझा। रुको गीत, अब तक तो तुमने प्रोजेक्ट को देख लिया होगा। देखा देखा, मजा लेना चाहते हैं, जानते हैं कि साशा मैम तो मुझे कभी कोई काम देगी नहीं। हाँ वो हाँ मैंने प्रोजेक्ट देख लिया है। रियली? और फिर भी तुम इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हो? हाँ क्यों, आपको मेरी काबिलियत पे शक क्या? गीत तुम मेरी हर बात को उल्टा की। गीत तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकती हो। नहीं सर, मैं ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करूंगी, और आपको मेरे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये। वही तो सर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते, इसलिए मुझे जाने दीजिए। और हाँ, अगर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई ना, तो रसिका मैम तो मुझे ही कच्चा चपड़ जाएगी, तो मुझे जाने दीजिए। ये जानकर भी कि ये प्रोजेक्ट होशियारपुर में, फिर भी गीत इस प्रोजेक्ट में काम करने पे तैयार कैसे हो गए? मैम, क्या आप मैं प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती हूँ? रिलैक्स गीत, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम आराम करो, प्रेजेंटेशन मैं तैयार कर लूंगी, तुम दिखा देना, सिंपल। पर मैम, मैंने तो अब तक एक बार पढ़ा भी नहीं है। चिल गीत, ये तुम्हारे बाएं बाएं हाथ का खेल है। क्लाइंट्स को, बॉसेस को कैसे इंप्रेस करना है, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, वही तो करती भी आई हो, राइट? तो मिस साशा, इज द प्रेजेंटेशन रेडी? या मैम, प्लीज हैव अ सीट। मिस रसिका, ये 5-star होटल उस छोटे से शहर का लैंडमार्क होगा। इनफैक्ट वही शहर नहीं, उसके आसपास के सभी शहर का ये फेमस डेस्टिनेशन पॉइंट बनेगा। इस छोटे से शहर को बेस्ट समझने के लिए हमारे साथ एक छोटे से शहर की गीत साथ में है, वो आगे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगी। Are you sure? ये प्रेजेंटेशन देगी साशा? मुझे लगता है कि प्लीज एमके, हमें नए लोगों को कुछ नया सीखने का मौका तो देना ही चाहिए, राइट गीत? पर मैम, मैंने तो कुछ कम ऑन गीत, गीत डरो मत, बहुत सिंपल है, कम ऑन। लिसन मिस, हूएवर यू आर, मेरे पास तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं है, सो यू बेटर गेट स्टार्टेड। ये प्रोजेक्ट होशियारपुर की एग्जाम, होशियारपुर की एग्जाम, होशियारपुर की एग्जाम। आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं, आप लोग मेरे कोई नहीं लगते। आज से मैं गीत हांडा नहीं, सिर्फ गीत हूं। ये 5-star होटल, होशियारपुर के पास ये प्रेजेंटेशन, oh
नॉनसेंस। ये प्रेजेंटेशन है या कोई मजाक? ये लड़की तो एक लाइन भी नहीं पढ़ सकती। वैसे वैसे का, वी आर सॉरी। अगर आप हमें 5 मिनट दे तो साशा। लिसन मिस्टर मान, वी हैव लाइक ऑल डे फॉर यू, पर ये लड़की शी इज थॉरली इनएफिशिएंट। अगर तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता तो जाकर कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, ऐसे ऑफिस में काम मत करो। आई एम सो श्योर तुम उस व्हाट्स इट कॉल्ड होशियारपुर के किसी छोटे से स्कूल से बिलोंग करती हो। मिस रसिका राठौड़, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे स्टाफ के साथ बस सुलके से पेश आए। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप गीत की इंसल्ट करें। मैं ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं करना चाहता जो दूसरों की इज्जत की परवाह ना करे। मैं ये डील अभी कैंसिल करता हूं। आदि। यस सर। इन्हें बाहर छोड़कर आ। जी सर। उन्हें पता था कि होशियारपुर का प्रोजेक्ट मेरी ही जमीन पर बन रहा है, इसलिए वो मुझे मना कर रहे थे। पर मैं बेवकूफी की तरह अपने अपने दिल से डरकर अपनी जिद पर अड़ी रही, उनकी एक भी नहीं सुनी मैंने। थैंक यू की लिस्ट में तो सबसे ऊपर नाम मेरा होना चाहिए। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उल्टा उन्हें ही सुना रही थी। पापा जी, मुझे कम से कम उन्हें थैंक यू तो कहना चाहिए, है ना? जिस बाजार तुम जैसे बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगते। Are you sure? ये प्रेजेंटेशन देगी? What nonsense! ये प्रेजेंटेशन है या कोई मजाक?